ऑरेंज मारपीट मामले में विक्टिम व परिजनों ने स्वयं कैमरे के सामने आकर घटना की दास्तां सुनाई है। दिल दहला देने वाली इस मारपीट की वीडियो देखकर हर कोई सहम गया था, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी युवकों को पकड़ लिया था। बेशक आरोपी कोर्ट द्वारा सशर्त जमानत पर बाहर है, लेकिन बर्बरतापूर्ण पिटाई को देखकर युवक के परिजन व्यथा सुनाते हुए विचलित हो उठे, जिसको लेकर परिजनों ने आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। सर, इसके बारे में बच्चे ने कुछ नहीं बताया होता मेरे को, इस सब चीज़ों का पता जो मेरे को सोशल मीडिया से पता लगा, तो उसके बाद फिर मैंने अपने बच्चे की पहचान की कि मेरा बच्चा है, इसके साथ मार्केट जो करने वाले हैं वो, तो एक जो था वो अभिषेक चौधरी, वो किशोरीलाल का लड़का था बलबाग से, और जो दूसरा था उसको तो खैर मैं नहीं जानता था, बट इसको गौरव जानता था। तो जो इन दोनों लोगों ने उनको पीटा है, मैं इनके खिलाफ़ जो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग करता हूँ। बट मेरे को एक मेरे मन में एक ये प्रश्न जरूर है, जब इन लोगों को पकड़ा गया तो बिना रिमांड के इन लोगों को छोड़ा कैसे गया? तो आगे क्या मांग रही है? मैंने मांगी है कि इनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। बाकी मेरे को इतना ये चाहता हूँ मैं कि मेरे को ये बताया जाए कि इनका क्या कौन सा ऐसा एविडेंस है जो इनको एकदम से बेल दे दीजिए। तो जो बिना जुडिशियल रिमांड के, बिना मतलब के बेल इनको मिली। ये जो आपके भतीजे के साथ हुआ है, हाँ जी हाँ जी, जो कार्रवाई, इस पर क्या कहना चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि इनको जमानत किस आधार पर दी गई पुलिस वालों ने, जबकि एक लड़का जो था वो क्या नाम उसका, शेरू अभिषेक, जो बलबाग से है, वो तो गायब था, क्योंकि जिस दिन हम एफ आई आर करवाने गए तो एक लड़का पकड़ा जा चुका था जो सुमित रांगड़ा है वहाँ का ना ढो से, वो जो दूसरा लड़का था शेरू एक फरार था। जब ये वापस आ रहा है दो दिन बाद तो पुलिस इनको किस आधार पर जमानत दे रही है? और इतने मार 9 तारीख को ही थी सर, जैसे मैं बद्दी से मतलब घर पहुंचा तो मेरे को अभिषेक चौधरी मतलब घर पे लेने आया था, तो वो मेरे को बाइक पे त्रिकवाड़ी तक ले गया, तो फिर वहाँ पे दूसरा सुमित रांगड़े पर पहले वहीं से मौजूद था, तो जैसे मतलब मैं बाइक से उतरा तो उन दोनों ने मेरे साथ मारपीट शुरू कर दी। तो इसका मतलब कारण तो ये था कि मतलब उनको मतलब जो अब्यूजिंग थे वो तो मेरे मतलब किसी रिलेटिव नहीं के साथ, इसलिए उन्होंने जो रिस्क्री वो मेरे साथ निकाल ली। फिर उसके बाद घर में मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि मेरे को उन्होंने धमकियाँ दी हुई थी फ़ोन पे भी कि अगर तू घर पे बताएगा तो मतलब तेरे को मार देंगे, जान से मारने की धमकियाँ वगैरह दी थी उन्होंने। ये कब की घटना है, कब हुआ है सारा? सर, ये 9 तारीख को हुआ था, और 10 तारीख को उन्होंने मेरे को फिर से धमकियाँ दी थी रात को फ़ोन पर, और उसके बाद 11 तारीख में बद्दी वापस चला गया था। तो अब जो पुलिस कार्रवाई करे इससे संतुष्ट हो आप लोग, ठीक हो रहा है? सर, तो उनको मतलब जमानत नहीं देनी चाहिए थी। हिमाचल एक्सप्रेस के लिए हमीरपुर से रजनीश शर्मा की रिपोर्ट।